अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शायान अहमद। मैं आज आपको, जैसे आपको पता है रमजान करीब आ रहा है, तो इसलिए मैं कुछ आपको चीज़ों के पास की फजीलत रोज़े की नीयत ये आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आए दुरूद पाक से हम आगाज करते हैं। पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो किसी परेशानी में हो वो मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करे, क्योंकि दुरूद पाक परेशानियों, दुखों और मुसीबतों को दूर करता है, रिक्स बढ़ाता है और हाजतें पूरी करता है। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुखों ने जो तुमको घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। अगर दुरूद पढ़ो मोमिनों करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम। सब जानते हैं रमजान की आमद आमद है। आए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ रमजान के हवाले से। रमजान की आमद आमद है, रमजान करीब आ रहा है, तो रोजे तो हम सभी रखते हैं। तो आज मैं आपको रोजे की नियत के बारे में बताऊंगा। आपको मैं बताता चलूं कि अदाए रोजा रमजान और नजरी मुअय्यन और नफली रोज़ों के लिए नियत का वक्त ग़ुरूब आफ्ताब के बाद से ज़वाहे कुबरा तक है। कहते हैं नियत किसे कहते हैं? नियत दिल के इरादे को कहते हैं। ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं, मगर ज़बान से कहना मुस्तहब है। चले दुआ की तरफ। जब हम रोज़ा रखेंगे तो दुआ भी पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको दुआ याद करवाऊंगा। नवैतु अन असूमा हादा यौमा बिल्लाही तआला मिन फर्द रमजान। मैंने नियत की अल्लाह पाक के लिए इस रमजान का फर्ज रोजा रखूंगा। बस आपको दुआ याद करवा देता हूँ ताकि आप मेरी वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको दुआ याद हो जाएगी। नवैतु अन असूमा हादा यौमा लिल्लाही तआला मिन फर्द रमजान। मैंने आपको रोजे का वक्त बताया। सेकंड, मैंने आपको नियत करने का बताया, नियत कैसे हम कर सकते हैं। थर्ड, मैंने आपको नियत के बारे में बताया कि नियत हम कैसे करेंगे, दुआ नियत की बताई। और आइए अब रोजे की एक फजीलत भी सुन लेते हैं। यानी रब्बुल्लाह तआला अनहु का फरमान है, तीन चीज़ें कुव्वत हाफ़िज़ा में इजाफा फरमाती हैं और बलगम को ख़त्म करती हैं। मिसवाक करना, रोज़ा रखना, क़ुरान पाक की तिलावत करना। ये कहते हैं कि रमज़ान के पूरे रोज़े रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे और अल्लाह ताला हमें पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जो भी दिली ख्वाहिश है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। माह रमज़ान में आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आए तो आप मुझे कमेंट भी करिएगा और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। और पूरा माह रमज़ान मैं आपको ऐसी दीन की बातें सिखाता रहूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।